नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहारी नॉनस्टॉप न्यूज में। बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरें सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें। बिहार पंचायत चुनाव में ओबीसी एससी एसटी और महिलाओं के लिए सीट हुआ फाइनल। आगे देखिए पूरी लिस्ट, कौन कितने सीटों पर लड़ेगा चुनाव। बिहटा में ही बनेगा नया एयरपोर्ट, मंत्री संजय झा ने कहा कि हमने जमीन दे दी है, काम शुरू करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी। बिहार में 3 लाख छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी, 170.93 करोड़ रुपए देगी नीतीश सरकार। आगे जानिए किसको मिलेगा ये पैसा। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस महकमे में होगा फेरबदल, निर्वाचन आयोग ने गृह विभाग को लिखा पत्र। पटना की शान में 4 चांद लगाएगा बापू टावर, मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक। पटना से अब काठमांडू और दुबई के लिए डायरेक्ट फ्लाइट का प्लान, केंद्र ने बिहार सरकार को लिखा पत्र। बेगूसराय में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की हुई समीक्षा बैठक में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने अधिकारियों को दिए कई निर्देश। बिहार पंचायत इलेक्शन 2021 के चुनावी सभा और जुलूस के जाने नियम उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्रवाई। बिहार में पंचायत चुनाव का बिगुल बजते ही तैयारियां शुरू हो गई है। मुखिया चुनाव को लेकर पहले चरण के लिए 2 सितंबर से नॉमिनेशन शुरू होने जा रहा है। बिहार राज्य निर्वाचन आयुक्त की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक लगभग सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी है। पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हो गई है। बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में लगभग आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रखी गई है, यानी कि 50% सीट पर महिला उम्मीदवार ही खड़ी होंगी, यहां से महिला उम्मीदवार ही विजयी होंगी। इसके अलावा आरक्षण के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें आरक्षित रखी गई है। आरक्षण कोटियों में आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित रहेंगी। बिहार में पंचायती राज के लिए वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के अलावा ग्राम कचहरी के सरपंच और पंच के लिए चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि मुखिया के 8072, सरपंच के 8072, जिला परिषद के 1160, पंचायत सदस्य के 1,13,307, पंचायत समिति सदस्य के 11,104 और 1,13,307 पदों पर चुनाव होने वाला है। बिहटा में बनने वाला एयरपोर्ट सारण यानी कि छपरा नहीं जाएगा, नीतीश सरकार ने इसकी हरी झंडी दे दी है। हाल ही में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के हवाले से एक रिपोर्ट छपी थी कि बिहटा में जमीन की कमी के कारण इस एयरपोर्ट का निर्माण सारण यानी कि छपरा में कराया जा सकता है, लेकिन नीतीश सरकार में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने यह स्पष्ट कर दिया है कि बिहार सरकार ने केंद्र सरकार को बिहटा में जमीन उपलब्ध करा दिया है, सारी प्रक्रिया भी पूरी हो गई है, अब बस केंद्र सरकार को निर्माण कार्य शुरू करना है क्योंकि यह उनकी ही जिम्मेदारी है। पटना में शुक्रवार को मीडिया कर्मियों से बातचीत में जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा कि सिविल एविएशन मंत्रालय ने पटना एयरपोर्ट के लिए जो जमीन मांगी थी वह जमीन बिहार सरकार ने मंत्रालय को दे दी है, अब काम शुरू करना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। दरभंगा एयरपोर्ट की जमीन के अधिग्रहण का काम भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा, साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट के भी राज्य सरकार काम कर रही है और वहां भी राज्य सरकार अपने तरफ से काम कर रही है। बिहार में 3 लाख से ज्यादा छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। 3 साल से लंबित पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को फिर से शुरू कर दिया गया है। नीतीश सरकार ने 170.93 करोड़ रुपए छात्रों के खाते में ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया है। इसे लेकर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री संतोष सुमन ने ऑनलाइन पोर्टल का शुभारम्भ किया है। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को जारी करने के बाद बताया कि अगले 15 दिनों में 170.93 करोड़ रुपए की राशि छात्रों के खाते में ट्रांसफर की जाएगी। 3,22,785 छात्रों को लाभ मिलेगा। ये पैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग समाज में आने वाले छात्र छात्राओं को दिया जाएगा। वैसे बच्चे जो पैसे के अभाव से अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं उनके लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप वरदान साबित होगी। पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस महकमे से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही है। राज्य निर्वाचन आयोग में पंचायत चुनाव को देखते हुए लंबे अरसे से एक ही जगह पर तैनात पुलिस अफसरों को हटाने का निर्देश दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने एक ही जिले में 3 साल से तैनात डीएसपी रैंक के अधिकारियों के अलावा थाने में तैनात इंस्पेक्टर और दरोगा का तबादला करने के लिए कहा है। राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से इस बाबत विभाग को पत्र भी लिखा गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद को राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से पत्र लिखा गया है। पंचायत चुनाव के ठीक पहले राज्य निर्वाचन आयोग से जो पत्र गृह विभाग को भेजा गया है उसके बाद अब डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर रैंक के पुलिस अफसरों का तबादला होना तय है। माना जा रहा है कि इनमें उन अधिकारियों का ट्रांसफर तय माना जा रहा है जो एक ही जिले में 3 साल से जमे हुए हैं।
डीएसपी के अतिरिक्त वैसे थानेदार और दरोगा जो एक ही थाने में 3 साल से तैनात है उनका भी ट्रांसफर किया जाएगा। हालांकि इन सभी का तबादला गृह जिले को छोड़कर किसी भी दूसरे जिले में किया जा सकता है। आयोग ने गृह विभाग को पत्र भेजा है, उसमें 3 साल की समय सीमा के लिए कट ऑफ डेट 31 दिसंबर 2021 तय किया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीते शुक्रवार को भवन निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। भवन निर्माण विभाग कई बड़ी योजनाओं पर काम कर रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा बापू टावर भी शामिल है। सीएम नीतीश कुमार के समक्ष एक अन्य मार्ग स्थित संकल्प में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भवन निर्माण विभाग ने बापू टावर के डिजाइन को पेश किया। विभाग के सचिव कुमार रवि ने बापू टावर के भौतिक प्रगति की जानकारी दी। साथ ही इसके निर्माण कार्य से जुड़े आर्किटेक्ट ने अपनी प्रस्तुति में प्रोजेक्ट बैकग्राउंड, प्रोजेक्ट स्टेटस, एग्जीबिट, डिजाइनिंग के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। बापू टावर एक बहुमंजिला इमारत होगी जो राष्ट्रपति महात्मा गांधी को समर्पित होगी। आने वाले दिनों में ऐतिहासिक शहर पटना की शान में बापू टावर 4 चांद लगाएगा। पटना एयरपोर्ट से जल्द ही विदेश के लिए सीधी उड़ान पर फैसला हो सका है। पटना और गया समेत देश के अलग अलग राज्यों से विदेश के लिए डायरेक्ट फ्लाइट किए जाने की योजना पर अब तेजी के साथ काम आगे बढ़ रहा है। अगर इस पर जल्द फैसला हुआ तो दुबई और काठमांडू के लिए पटना से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। नगर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 5 राज्यों के मुख्यमंत्री को इस बाबत पत्र लिखा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस मामले में नीतीश कुमार से व्यक्तिगत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो पत्र लिखा है उसमें राज्यों में विमानन के लिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के साथ साथ अन्य सुविधाओं को व्यवहारिक बनाने का आग्रह किया गया है। जमीन आवंटन से लेकर अन्य तरह के मामलों में तेजी लाने का आग्रह भी केंद्रीय मंत्री ने किया है। बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने शुक्रवार को बेगूसराय जिला समाहरणालय में डीएम अरविंद कुमार वर्मा के साथ बैठक की, जिसमें उद्योग विभाग से संबंधित कई योजनाओं की समीक्षा की गई। बिहार सरकार का बेगूसराय जिले में उद्योग विभाग से संबंधित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक बेगूसराय समाहरणालय परिसर स्थित कारगिल सभागार कक्ष में हुई। इस बैठक में मंत्री शाहनवाज हुसैन ने बेगूसराय जिले में उद्योग विभाग से संबंधित प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, जिला औद्योगिक नव परिवर्तन योजना के साथ साथ बिहार राज्य औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत जिले में कार्यरत एवं अनुदान प्राप्त इकाइयों व लोहिया नगर स्थित रेशम फार्म की समीक्षा की। सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और इसमें गति लाने का निर्देश उन्होंने अधिकारियों को दिया। इस समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, उद्योग विभाग के डायरेक्टर पंकज दीक्षित, एडीएम बलागुद्दीन, डीडीसी सुशांत कुमार, उद्योग विभाग के जीएम डीआईसी राजकुमार शर्मा, बिजली विभाग से बरौनी और बेगूसराय के कार्यपालक अभियंता समेत कई अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान मंत्री शाहनवाज हुसैन ने मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी 24 सितंबर से आरंभ हो रहे 11 चरणों के पंचायत चुनाव के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवार और उनके समर्थकों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत उम्मीदवारों को किसी हाट बाजार या भीड़ भाड़ वाले सार्वजनिक स्थल पर चुनाव सभा के आयोजन के लिए पूर्व अनुमति लेनी होगी। स्थानीय पुलिस थाने में ऐसी सभा के आयोजन के पूर्व सूचना देनी होगी। सभा करने की अनुमति संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा दिया जाएगा। सभा आयोजन के क्रम में लाउड स्पीकर के प्रयोग हेतु आवश्यक अनुमति सभा के पूर्व प्राप्त करनी होगी। लाउड स्पीकर या हैंड माइक का उपयोग सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक किया जाएगा। ध्वनि विस्तारक यंत्र हैंड माइक से प्रचार मतदान के 48 घंटे पूर्व शाम 5 बजे तक ही किया जा सकेगा। बिना लाइसेंस या अनुमति के किसी भी अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तावित सभा में लाउड स्पीकर हैंड माइक का उपयोग किए जाने पर जमादार या उसके ऊपर कोई भी पुलिस पदाधिकारी उसे जब्त कर सकेगा। इसके उल्लंघन किए जाने पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। बिहार में एक बार फिर से बालू का खनन शुरू होने जा रहा है। अगले महीने के बाद 1 अक्टूबर से बालू खनन को फिर से चालू करने की बात सामने आ रही है, क्योंकि फिलहाल एनजीटी के निर्देशों के अनुसार 1 जुलाई से 30 सितंबर तक इस पर रोक लगा रखा है। तकरीबन 3.5 दर्जन अधिकारियों पर कार्रवाई करने वाली नीतीश सरकार इस बार बालू माफियाओं पर पूरी तरह नकेल कसने की कोशिश कर रही है। नीतीश सरकार बिहार में इस बार बालू का खनन शुरू होने के साथ ही अवैध खनन, बालू के अवैध बिक्री और ढुलाई पर नियंत्रण के लिए शक्ति बढ़ाने की तैयारी कर
कर रही है। बताया जा रहा कि इस महीने के बाद 1 अक्टूबर से नदी घाटों से फिर से खनन शुरू हो जाएगा। इसके तहत नदी घाटों पर खनन की ड्रोन से मॉनिटरिंग, चालान की जांच सहित हाईटेक व्यवस्था से निगरानी की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यालय स्तर से निगरानी की व्यवस्था की जाएगी। बिहार में लगभग 350 नए बालू घाटों की बंदोबस्ती प्रक्रिया पर्यावरणीय स्वीकृति के इंतजार में अटकी हुई है। इसकी मंजूरी मिलने और नए बालू घाटों के नए बंदोबस्तधारियों द्वारा खनन शुरू करने के लिए जरूरी अथॉरिटी सिया का पुनर्गठन इसी महीने होने की संभावना है। इस नए बालू घाटों के खनन शुरू होने से लोगों को अपने जिले या जिले के नजदीकी आसानी से बालू मिल सकेगा। बिहार में 2016 से शराबबंदी कानून लागू है। शराबबंदी कानून को कड़ाई से लागू कराने को लेकर कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया जा रहा, लेकिन सुपौल जिले में बीते 10 अगस्त से छापेमारी अभियान बंद है। इसका कारण जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल पेट्रोल पंप के मालिक ने उत्पाद विभाग को पेट्रोल देना ही बंद कर दिया है। पेट्रोल पंप के मालिक ने कहा है कि पहले 5,85,000 रुपये जमा कीजिए, तभी पेट्रोल मिलेगा। उत्पाद अधीक्षक का कहना है कि विभाग की ओर से अभी 80,000 रुपये ही आवंटन किया गया है, लेकिन सुपौल उत्पाद विभाग को 10 अगस्त से ही पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। जिस पेट्रोल पंप में तेल मिलना था, उसके संचालक ने विभाग को 5,85,000 रुपये का बिल थमा दिया है। पेट्रोल पंप के मालिक ने पत्र के जरिए विभाग को यह कहा कि जब तक पुराने बिल का हिसाब किताब क्लियर नहीं होगा, तब तक विभाग की गाड़ी को तेल नहीं दे सकते हैं। गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहने के कारण 10 अगस्त से ही छापेमारी अभियान बंद है, जिसके कारण शराब के धंधेबाजों के खिलाफ छापेमारी नहीं हो रही है। 2 सप्ताह से उत्पाद की टीम फील्ड में छापेमारी के लिए नहीं जा पाई है। गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहना इसका मुख्य कारण बताया जा रहा है। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। धन्यवाद।